डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, मिर्जा गालिब की जयंती। आज यानी 27 दिसंबर को प्रसिद्ध भारतीय शायर मिर्जा गालिब की जयंती है। गालिब आमतौर पर उर्दू और फारसी भाषाओं में लिखते थे और गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक माने जाते थे। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध और श्रद्धेय शायर माने जाते हैं। इनका मूल नाम मिर्जा असदुल्ला खान था और गालिब इनका तखल्लुस यानी पेन नेम था। इनका जन्म 7 दिसंबर 1797 को आगरा में एक कुलीन परिवार में हुआ था। गालिब ऐबक तुर्कों के वंशज परिवार से ताल्लुक रखते थे जो सेल्जुक राजाओं के पतन के बाद समरकंद यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान चले गए थे। उनकी युवावस्था विलासिता में व्यतीत हुई। इसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा पेंशन दी गई। बाद में उन्हें दरिद्रता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि गालिब ने 11 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। 1850 में उन्हें अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय द्वारा राजकवि नियुक्त किया गया। बहादुर शाह जफर ने उन्हें दबीरुल मुल्क की उपाधि दी। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया। गालिब की सर्वश्रेष्ठ शायरी 3 रूपों में लिखी गई। ये है गजल यानी गीत, मसनवी यानी नैतिकतावादी रहस्यमय दृष्टांत और कसीदा यानी प्रसिद्धि। गालिब के लिखे शेर वर्तमान में भी उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं।